चकुलिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 46 छात्राएं मिली हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद से ही प्रशासन के होश उड़ गए हैं कि अचानक से इतने पेशेंट एक साथ, और फिर बाकी के आसपास के विद्यालयों में जांच शुरू हुई जहां हर छात्र में, हर क्लास में ही लगभग 10 से 15 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। अब इसके बाद इन छात्राओं को स्कूल के ही यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के हॉस्टल में ही रखकर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर पूरी कसरत मुस्तैदी से अब जांच में जुट गया है और आसपास के सारे ही स्कूलों के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ पे रिपोर्ट आई थी चकुलिया सीएससी में कि कुछ बच्चों जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, कुछ बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो मेडिकल टीम गई थी वहाँ पर उनसे जांच करने के लिए। तो उसी के साथ साथ उन्होंने कोविड का भी जांच किया रैपिड एंटीजन टेस्ट से। तो सुबह 3 बजे के आसपास वो रिपोर्ट मिली थी कि वहाँ 10 बच्चियाँ पॉजिटिव हो चुकी हैं, लगभग 50 टेस्ट के अंदर 10 बच्चियाँ पॉजिटिव आ गई। तो फिर इंटेंसिव जांच हुआ होगी, जितनी भी बच्चियाँ हैं सबकी जांच कर लिया जाए। तो 2200 प्लस में वहाँ पर बच्चों की जांच हुई और रात तक रिपोर्ट थी कि 46 बच्चियाँ वहाँ पर पॉजिटिव हुई। तो इसी तरह के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और हमारे सिविल सर्जन सर ने भी तुरंत स्टेप लिया कि जितने भी KGBV हैं यहाँ पर सब जगह जांच किया जाए, और सारी जांच जितने भी हमारे KGBV पे है सब जगह जांच चली रही है, जिसमें से धालभूमगढ़ 275 जांच हुई, वहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं मिला, पटमदा 240 ही कोई नहीं मिला, घाटशिला में भी जांच हुआ वहाँ से करीब 400 के ऊपर, वहाँ भी कोई नहीं मिला, और पुटका में जाँच हुआ है 10 वहाँ से मिले हैं पॉजिटिव, और सुंदरनगर वाले में भी जांच चल रही है, वहाँ भी लग है कि 15 से 20 के आसपास पॉजिटिव आ रहे हैं। ये अभी तक की रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट तो शाम को ही होगी कि कितने जांच हुई और कितने पॉजिटिव आए हैं।